हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वॉचिंग जी सच। देखो अभी हम मेरा जो मोहल्ला है उसका बाहर हूँ, थोड़ा खड़ा हूँ, और कहाँ पे लेके चलूँगा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो मैं रोड पे खड़ा हूँ अभी, ठीक है। मैं फ्लिप करता हूँ कैमरा को तो आप लोगों को पता चलेगा कहाँ हूँ मैं। एक्चुअली मैं मेरा बाईपास पे खड़ा हूँ। हम एक जगह जाऊँगा अभी इधर से। मैं पिछले एक वीडियो पे आप लोगों को बोला था क्या, जो एयरपोर्ट जब आप ट्रैवल करोगे इंटरनेशनल तब सिक्योरिटी चेकअप बहुत ज़्यादा होता है और कैसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए उस टाइम। तो इस रिलेटेड मैं आज कुछ बातें बोलूँगा और आप लोग से तो वो भी शेयर करूँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को एक ट्राउज़र लेना है, जो ट्राउज़र में बेल्ट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसका जो नारा रहेगा ना, नारा वाला ट्राउज़र कहाँ मिलता है और कैसे मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को अभी मैं निकल चुका हूँ मेरा घर से और मैं बाईपास में खड़ा हूँ। हम लोग का इधर एक बाईपास है, वो बाईपास में मैं खड़ा हूँ और मैं उधर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को मैं ले कर चलूँगा अभी डी कैथलॉन बोले एक इधर स्पोर्ट्स शोरूम है जहाँ पे कपड़ा वगैरह मिलता है स्पोर्ट्स के लिए। तो उधर आपको मैं ले कर चलूँगा और दिखाऊँगा कैसा कपड़ा आपको लेना चाहिए, ठीक है, और शू कैसा पहनना चाहिए एयरपोर्ट में ट्रैवल करने के टाइम। जो क्रूज में और इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा करते हो, मैं सबके लिए वीडियो बोल रहा हूँ, आप लोगों को हमेशा ये ट्रैवल करने के टाइम याद रखना चाहिए आपका जो कपड़ा है ध्यान से कैसे कपड़ा आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो एयरपोर्ट में आप लोगों को पता है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकअप बहुत ज़्यादा हाई होता है और कपड़ा बोले तो बेल्ट खोल के चेक करता है और जूता खोल के चेक करता है। तो कैसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए, जूता कैसे पहनना चाहिए, इस रिलेटेड मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पिछले एक वीडियो पे बताया था, आप लोग शायद देखा है मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें। तो चलिए अभी दिखाता हूँ कैसा कपड़ा लेना चाहिए। तो ये दिमाग में रख लीजिए, आपका जो कपड़ा होना चाहिए उसमें मेटल एकदम मिनिमाइज होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए। बोले तो आपका जो बेल्ट है बेल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, समझ में आया ना। तो कैसा कपड़ा यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा ही कपड़ा आप लोग यूज़ कीजिए जब आप फर्स्ट असाइनमेंट पे जाओगे, क्योंकि बहुत बार आपका बॉडी चेक होगा तो इसलिए थोड़ा हैरेसमेंट आपका कम होगा अगर आप ऐसा कपड़ा पहन के चलोगे। तो इस वीडियो में अभी बनाऊंगा और आप लोग से मैं शेयर करूंगा। डी कैथलॉन पे मैं जाऊंगा आप लोगों को लेके। तो चलिए देखते रहिए क्या क्या मिलता है उधर और कैसा प्राइस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डी कैथलॉन बोल के, ऐसा बात नहीं है कि आपको भी खरीदना पड़ेगा डी कैथलॉन से, नहीं ऐसा बात नहीं है। कोई भी कपड़ा दुकान से आप ले सकते हो, जो स्पोर्ट्स का कपड़ा होता है उसको इस्तेमाल कीजिए तो एयरपोर्ट में आपको हैरेसमेंट कम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेटल वगैरह नहीं रहता है और बेल्ट पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो शू रहता है स्नीकर रहता है तो उसमें आपका जो लेदर वाला शू होता है तो ज़्यादा ये लोग खोल के चेक करता है, बट स्नीकर आप पहन के जाओगे तो उसके अंदर मेटल नहीं रहता है तो इसलिए आपको ये लोग खोल के चेक नहीं करेगा। जस्ट जब मेटल डिटेक्टर से जाओगे तभी पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ नहीं है मेटल, तो आपको कपड़ा खोलने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए अभी मैं उधर लेके चलता हूँ और आप लोग से मैं शेयर करता हूँ कैसा है डी कैथलॉन, उसका कलेक्शन क्या है। चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ।